किसान वीरों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं जो कोलक्स 14201 गन्ना किस्म है, अगर हम लोग उसकी तुलना 8436 से करते हैं तो उसके सामने कैसे टिकती है, क्योंकि जो 8436 है उससे कहीं ना कहीं इसके काफ़ी ज़्यादा गुण जो हमारे 14201 गन्ना किस्म है इसके मेल खाते हैं। तो आज हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे कि कैसे कितने जो इसके गुण हैं 8436 जो गन्ना था हमारा उससे कितने इसके मैच करते हैं। तो इससे पहले जो किसान भाई पहली बार आज हमारे चैनल पे आए हों तो कृपया हमारे चैनल को वो किसान भाई सब्सक्राइब जरूर कर लें। जैसा किसान वीरों आप ये वीडियो में देख पा रहे होंगे, ये कोलक्स 14201 गन्ना किस्म का गन्ना लगा हुआ है और सिंगल बड से ही इसकी प्लांटिंग है। सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बताऊं कि इसमें जो पहला फ़र्क है 14201 में और उसमें 8436 में कि इसमें जो टिलरिंग देख रहे होंगे आप, ये सिंगल बड़ की प्लांटिंग है और तकरीबन इससे 15 से 16 गन्ने आपको इसमें नज़र आ रहे होंगे। सबसे बड़ा इसका फ़र्क यही है कि इसमें टिलरिंग ज़्यादा होती है 8436 की तुलना में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे तकरीबन इसमें काफ़ी ज़्यादा कल्लों की संख्या रहती है, 8436 में थोड़ा कल्ले कम होते हैं, इसमें कल्ले आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ जो इसकी लंबाई है वो भी 8436 से ज़्यादा जाती है, तकरीबन आप किसकी इसकी जो लंबाई जाती है वो 11 से 12 फीट तक हो जाती है, और यानी कि लंबाई 8436 से इसकी ज़्यादा होती है, टिलरिंग भी 8436 से इसकी ज़्यादा है। और इसके साथ साथ किसान वीरो इसमें ये है कि इसके जो पत्तियाँ जैसे कि 8436 की खड़ी रहती उसी तरीके की आपको इसमें पत्तियाँ देखने को मिलेंगी, सीधी खड़ी रहती है, पर 8436 की तुलना में जो इसकी पत्तियाँ हैं थोड़ा उससे पतली हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 8436 की तुलना में 14201 की जो पत्तियां हैं किसान वीरों वो हल्का पतली हैं। और इसके साथ साथ इसकी जो रेटून है वो भी 8436 की तुलना में आपको अच्छी देखने को मिलेगी, यानी कि कुल मिला के जो इसकी रेटून है वो इसकी इसकी देखने को 8436 से ज़्यादा देखने को ज़्यादा अच्छी देखने को आपको मिलेगी। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये पौधा गन्ना है, अक्टूबर की ये प्लांटिंग है। और इसके साथ साथ किसान अगर हम लोग रोगों पर नज़र डालें तो फिलहाल आपको इसमें अब इतने रोग देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि नई गन्ना किस्म होने के कारण इसमें काफ़ी जो रोग हैं कम है, कोई भी सीरियस पेस्ट जैसे रेड रॉट या पोका बंग जैसा आपको इसमें रोग देखने को नहीं मिलेगा। वहीं आपका जो 8436 गन्ना था उसमें इस समय वैरायटी थोड़ा पुरानी होने के कारण काफ़ी रोग उसमें देखने को मिल रहे हैं। तो इसके साथ साथ किसान वीरों जिसकी जो पेड़ी है ना वो 8436 की तुलना में काफ़ी आगे, क्योंकि इसकी पेड़ी आपको जैसे पौधा गन्ना है ऐसे ही आपको जो इसका जो पेड़ी होगी उसमें भी ऐसे ही कल्ले आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बारीक से इसके जो फर्क हैं 8436 की अगर हम लोग कंपेयर करें। और इसके साथ साथ एक जरूरी बात ये भी किसान भाई जो इसमें वेट है वो बिल्कुल 8436 जितना ही है, क्योंकि गन्ना बिल्कुल अंदर से अगर काटेंगे आप तो बिल्कुल ठोस देखने को मिलेगा, इसके अंदर आपको पिच देखने को नहीं मिलेगा। और इसके साथ साथ किसान वीरों इसका जो सबसे बड़ा गुण यह भी जैसे कि आप देख पा रहे होंगे बहुत सी छोटी इंटरनोड होती हैं, छोटी इंटरनोड होने के कारण इसको नीचे से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, गन्ना यह गिरता नहीं जल्दी, यानी कि किसान वीरों इसमें लॉजिंग की समस्या नहीं है। जैसे हम अपना 8436 नहीं गिरता था उसी तरीके से किसान ये भी गन्ना बहुत ही कम गिरता है। और इसके साथ साथ किसान वीरों अगर हम लोग भार की बात करें तो भार इसमें जितना आप 8436 में था उतना ही भार आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। और गन्ने की जगह मोटाई की बात करें तो मोटाई जो है किसान वीरों लगभग 8436 की जितनी ही लंबाई इसकी और मोटाई इसकी हो जाती है, जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा मोटाई भी काफ़ी अच्छी है गन्ने की, जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा जितनी 8436 की मोटाई थी उतनी ही लगभग इसकी भी मोटाई है, परंतु लंबाई में 8436 से इसकी जो लंबाई है ये ज़्यादा होती है, यानी लंबाई में 8436 से आगे है, मोटाई 8436 इतनी है, गन्ने का जो वेट है वो भी 8436 जितना ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि गन्ना काफ़ी अंदर से ठोस होता है। तो ये कुछ किसान वीरों इसमें अगर हम तुलना करें तो ये इसमें कुछ फ़र्क है 14201 में, क्योंकि बहुत से इसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं गन्ने का जो रंग रूप है वो भी बिल्कुल 8436 जैसा ही आपको देखने को मिलेगा। तो किसान ये रही कुछ जानकारी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।